हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं राकेश पाल और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार का भी वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप से बहुत से भाई लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो, बट बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं होती है दुबई के बारे में। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप लोगों को भी नॉलेज हो कि यहाँ दुबई आने का क्या प्रोसीजर है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर हम किसी भी फार्मेसी फील्ड या मेडिकल सेक्टर में हैं और यहाँ दुबई में जॉब करने के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर जॉब करने का क्या प्रोसीजर है, कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता रहता हूँ। और आज भी कुछ नया लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा दोस्तों, ठीक है? तो और अगर आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो पहले दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और वीडियो को अपने अन्य फ्रेंड तक जो है शेयर करिए। मेरी सारी वीडियो जो है अपने सभी दोस्तों को शेयर किया करिए, जिससे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक कॉमन टॉपिक है दोस्तों, मोस्टली लोगों को पता है इसके बारे में, लेकिन मुझे फिर भी बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि ये क्या होता है, मीन्स DHE एग्ज़ाम क्या होता है, MOH क्या होता है, हाथ क्या होता है। कई लोगों को इसके डिफरेंस के बारे में नहीं पता है कि DHE लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, MOH लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, और हाथ लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, और कौन सा एग्ज़ाम जो है ईजी होता है, कौन सा टफ होता है, और कौन सा लाइसेंस हमारा किस एमरेट्स में चलता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के मैं जो है आज आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना टॉपिक, जो कि है पूरे जो भी हमारे UAE में लाइसेंस चलते हैं उनके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, ये जो कंट्री है, इस कंट्री का नाम है UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल जो है हमारे 7 एमिरेट्स हैं। जैसे अपने इंडिया में राज्य होते हैं, ठीक है, हर एक स्टेट होता है, उसी तरीके से यहाँ पर एमिरेट्स हैं, ठीक है? तो टोटल 7 एमिरेट्स हैं दोस्तों UAE में, जिसमें से कि जो है यहाँ पर हमारे जो है, अगर हम किसी भी मेडिकल फील्ड में यहाँ पे आते हैं जॉब करने के लिए, तो हमें कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि वो लाइसेंस अगर हमें मिल जाता है तो फिर हम जो है UAE के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं जॉब करने के लिए, ठीक है? उसमें कौन कौन से लाइसेंस होते हैं, वो तीन तरह के लाइसेंस होते हैं दोस्तों, जिसमें कि एक आता है DHA, ठीक है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, उसका लाइसेंस होता है। एक होता है MOH, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, ये होता है। और तीसरा होता है हाथ का लाइसेंस, ठीक है दोस्तों। ये तीन तरह के जो है लाइसेंस यहाँ पे होते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी आपको एक लाइसेंस मिल जाता है तो आप जो है UAE में जो है जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और यहाँ आकर के आप किसी भी मेडिकल फील्ड में जो है जॉब कर सकते हैं, ठीक है? मीन्स आप अगर फार्मासिस्ट हैं, आप नर्स हैं, आप जो है डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, लैब टेक्नीसियन हैं, ठीक है, कोई भी आप अगर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, तो आपको इन तीनों में से कोई भी एक लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, और इसी लाइसेंस के बेस पे जो है आप यहाँ पे जॉब कर पाते हैं, ठीक है? तो अब दोस्तों बात आती है कि कौन सा लाइसेंस किस एमिरेट्स में चलता है, ठीक है? देखिए, यहाँ तीन लाइसेंस मैंने बताया आपको, DHA, MOH और हाथ। अब इसमें से जो DHA है दोस्तों, ठीक है, DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी के लाइसेंस होता है। अगर आपके पास DHA का लाइसेंस मिल जाता है तो आप जो है दुबई इमिरेट्स में जो है जॉब करने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है? तो अगर ये लाइसेंस आपको मिलता है DHA का, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है दुबई में ही जॉब कर सकते हैं, अदर इमिरेट्स में आप जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा आता है दोस्तों MOH का, ठीक है, MOH लाइसेंस जो है हमारा 5 इमिरेट्स में काम करता है। 5 इमिरेट्स यहाँ पे हैं जिसमें कि हमारा MOH का लाइसेंस वर्क करता है, ठीक है? अगर हमें MOH का लाइसेंस मिलता है तो हम इन 5 एमिरेट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उन 5 एमिरेट्स के नाम दोस्तों जो हैं मैं बता देता हूं आप लोगों को। पहला आता है दोस्तों उसमें शारजा, ठीक है, शारजा आया है पहला। और दूसरा है दोस्तों रसल खैमा,
रसल खेमा हो गया, तीसरा आता है दोस्तों फुजेरा, चौथा आता है दोस्तों उमल क्वीन, और पांचवा आता है दोस्तों अजमान। ठीक है, ये फाइव एमिरेट्स जो हैं आपका एमओएच के अंदर में आते हैं। अगर आपके पास एमओएच का लाइसेंस है तो आप इन फाइव एमिरेट्स में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा लाइसेंस जो है दोस्तों आता है हमारा हाथ का लाइसेंस, हाथ या फिर DOH, हाथ को हाथ इसका पुराना नाम है, अभी उसको DOH के नाम से भी जाना जाता है। सेम DOH और हाथ दोनों एक ही लाइसेंस होता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा तीसरा लाइसेंस हाथ का या DOH का, और ये लाइसेंस जो है हमारा अबू धाबी जो यहाँ का जो एमिरेट्स है वहाँ पे वर्क करता है। अबू धाबी जो है हमारा UAE का कैपिटल है। ठीक है, तो ये जो है अगर हमें हाथ का लाइसेंस या DOH का लाइसेंस मिलता है तो हम जो है अबू धाबी के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ तीन तरह के लाइसेंस होते हैं, DHA, MOH और हाथ, और तीनों को मैंने बता भी दिया आप लोगों को कि कौन सा लाइसेंस किस एमिरेट्स में वर्क करता है। ठीक है, अब आपका जो डाउट्स है कि यहाँ पे कौन सा मिस लाइसेंस हमें ईजिली मिल जाएगा, जिसका एग्ज़ाम थोड़ा इजी होता है अदर जितने भी हमारे DHA, MOH या हाथ जो भी लाइसेंस है उसमें सबसे इजी कौन सा होता है जिसको दे करके हम इजीली पास हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है सबसे इजी इन तीनों में से जो है DHA का लाइसेंस होता है। अगर आपने DHA का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आप जो है आप अदर जितने भी लाइसेंस है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे इजी दोस्तों जो है DHA का एग्ज़ाम होता है कंपेयर टू MOH और जो है हाथ के। ठीक है, तो अगर आप DHA का लाइसेंस ले लेते हैं तो आप जो है इजीली MOH में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम आपको सिर्फ DHA का एग्ज़ाम देना है, DHA एग्ज़ाम दीजिए और उसको क्लियर करिए, आप पास कर लीजिए, और उसी लाइसेंस के बेस पे जो है दोस्तों आप लोग MOH का भी लाइसेंस ले सकते हैं। बट उसका कंडीशन है कि अगर आप मीन्स अभी अभी DHA आपने क्लियर किया, आपके पास DHA का एलिजिबिलिटी लेटर आ जाता है, तो आपको विद इन 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ के पहले पहले आपको जो है उसको MOH में कन्वर्ट करना होता है। अगर आप मीन्स आज आपका लाइसेंस आया, आप 1 महीने 2 महीने के अंदर उसको कन्वर्ट करा लीजिए, क्योंकि अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो कन्वर्ट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को एडवाइस देता हूँ कि जैसे ही आपका DHA का एलिजिबिलिटी लेटर आता है आप उसको डायरेक्ट MOH में कन्वर्ट कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका DHA का एलिजिबिलिटी लेटर भी जो है वर्किंग रहेगा, मीन्स वो कैंसिल नहीं होगा, उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं, और उसके साथ साथ MOH वाला जो एरिया है उसमें भी आप वर्क कर सकते हैं। तो आपके पास दो लाइसेंस हो जाएंगे दोस्तों, जिससे कि आप लोग DHA और MOH दोनों लाइसेंस आपका एक्टिव रहेगा, और आपको जहाँ भी जॉब मिलती है, अगर आपको DHA में जॉब मिली, मीन्स दुबई में जॉब मिलती है, तब भी आप वर्क कर सकते हैं, और MOH वाले एरिया जिसमें फाइव एमिरेट्स मैंने बताया कि जो है शारजा, रसल खेमा, फुजेरा, अजमान और उमल क्वीन, ये फाइव एमिरेट्स में भी आप वर्क कर सकते हैं। मीन्स UAE के 7 एमिरेट्स में आप 6 एमिरेट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बचा है सिर्फ आपके पास हाथ का लाइसेंस। ठीक है, अब हाथ का लाइसेंस हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए दोस्तों आपको करना पड़ेगा, या तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दीजिए तो आपको हाथ का लाइसेंस मिल सकता है, जो कि बहुत टफ है दोस्तों। और एक दूसरा एक तरीका क्या है कि आप पहले DHA या MOH का लाइसेंस जब आपको मिल जाता है तो आप दुबई मीन्स आप UAE आइए और किसी भी एमिरेट्स में वर्क करिए। आप 6 मंथ तक आप यहाँ पे जॉब करते हैं, तो आप 6 मंथ का अगर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप जो है अपना जो है DHA MOH जो भी लाइसेंस आपका एक्टिव रहेगा उसके बेस पे आप जो है हाथ का लाइसेंस भी ट्रांसफ़र हाथ के लाइसेंस में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे DHA से MOH में कन्वर्ट हो गया, उसी तरह से आपका जो भी लाइसेंस होगा, अगर DHA का है या MOH का जो भी एक्टिव है उस समय, उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो हाथ में। बस उसकी कंडीशन ये है कि आपको जो है 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए UAE का। ठीक है दोस्तों, और आपका लाइसेंस एक्टिव होना चाहिए यहाँ पर, तो आप जो है उसको हाथ में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अगर आपको आपके पास DHA MOH का लाइसेंस है और आप यहाँ पे 6 मंथ वर्क कर लिए, तो आप उसको उसमें भी ट्रांसफ़र कराइए हाथ में भी, और इस तरह से आप तीनों लाइसेंस ले सकते हैं और पूरे UAE के लिए एलिजिबल हो सकते हैं।
बस आपको दोस्तों एक एग्ज़ाम देना है DHA का, बाकी आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। DHA आप इजली पास करिए, बाकी सारे लाइसेंस आप जो है ट्रांसफ़र करके ले सकते हैं, ठीक है। इससे आपको तीनों लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों पूरी जानकारी। अब मैं आप लोगों को थोड़ी एक चीज़ और बता देता हूँ, जो काफ़ी लोग जो है मुझसे कमेंट्स करके पूछते हैं कि तीनों में सैलरी क्या डिफरेंस है, ठीक है। मीन्स अगर हम DHA में जॉब करते हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी, या MOH में ज़्यादा सैलरी मिलेगी, या फिर हाथ में ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सैलरी मिलती है हमें वो है हाथ वाले एरिया में, ठीक है। मीन्स अबू धाबी जो है वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, ठीक है। वहाँ एक अगर असिस्टेंट फार्मासिस्ट भी है तो उसको जो है 3,500 दिरहम से लेकर के जो है 4,000 दिरहम के बीच में मिल जाती है दोस्तों। और ये मैं फ्रेशर की सैलरी बता रहा हूँ, और आप एक्सपीरियंस हैं तो आपकी सैलरी और भी हो जाती है, 4,000 to 5,000 दिरहम के आसपास में आपकी सैलरी हो जाती है, ठीक है। और अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको लगभग जो है यहाँ पर स्टार्टिंग 4,000 दिरहम से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, 4,000 to 5,000 दिरहम के बीच में आपकी सैलरी मिलेगी। एक्सपीरियंस होने के बाद आपको 6,000 to 7,000 तक भी यहाँ पे मिल जाता है अबू धाबी में, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए आपको हाथ का लाइसेंस लेना होगा। और इसके बाद दोस्तों जो आता है वो है DHA में। DHA में आपको इससे थोड़ा सा कम सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको ठीक ठाक सैलरी यहाँ भी मिल जाती है, ठीक है। यहाँ भी आपको जो है अगर आप असिस्टेंट फार्मासिस्ट हैं तो आपको जो है 3,000 दिरहम से लेकर के 3,500 दिरहम के बीच में आपकी सैलरी रहती है। और आप अगर फार्मासिस्ट हैं तो आपको जो है यहाँ पर लगभग 3,500 दिरहम से लेकर के 5,000 दिरहम के बीच में आपको सैलरी मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया बी फार्मा और डी फार्मा का। इसके बाद आता है दोस्तों MOH वाले एरिया में। MOH वाले एरिया में थोड़ी सैलरी स्ट्रक्चर कम है दोस्तों, बट यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है अगर असिस्टेंट फार्मासिस्ट हैं तो आपको 2,500 दिरहम से लेकर के 3,500 दिरहम के बीच में सैलरी मिलती है फ्रेशर को। और बी फॉर्म हैं अगर फार्मासिस्ट हैं तो आपको 3,000 दिरहम से लेकर के 4,000 दिरहम के बीच में आपकी सैलरी मिल जाती है, ठीक है। तो ये है दोस्तों पूरा सैलरी स्ट्रक्चर, और कहाँ पर लाइसेंस हमारा, हमें कौन कौन से लाइसेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी अपने वीडियो में। अभी एक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है दोस्तों कि हमें किस एरिया में सबसे जल्दी जॉब मिलेगी, और कौन से लाइसेंस अगर हमारे पास होता है तो हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी किस इमरेट्स में ज़्यादा है, कौन सा लाइसेंस हमारे पास होता है, तो ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके पास हाथ का लाइसेंस है या फिर MOH का लाइसेंस है, तो दोस्तों अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा जॉब किस इमरेट्स में है, तो अगर आपके पास MOH का लाइसेंस है तो आपको जो है MOH वाले एरिया में जल्दी जॉब मिल जाएगी, और ज़्यादा जॉब के चांसेस आपको MOH में ही मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि MOH का लाइसेंस जो है हमारा 5 इमरेट्स में काम करता है, जिससे कि हमारा एरिया बहुत बड़ा है, तो हमें किसी न किसी इमरेट्स में जॉब मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है हाथ का आता है दोस्तों। हाथ वाले एरिया में भी हमें जॉब की बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट हाथ का जो एरिया है वहाँ का लाइसेंस बहुत कम लोगों के पास होता है हाथ का, इसलिए जो है वहाँ जॉब की ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, ठीक है। इसके बाद आता है DHA। DHA में सबसे कम वैकेंसी होती है दोस्तों, ऐसा नहीं कि होती नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही कम वैकेंसी निकलती है, ठीक है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि DHA क्या है, MOH क्या है, हाथ क्या है, और कौन से एरिया में क्या सैलरी मिलती है, और कौन सा एरिया में कौन से लाइसेंस के लिए कौन सा एमरेट्स आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो आप, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको देता हूँ, उस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों पूरी जानकारी। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।